लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं प्रणय दास और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। रायसेन के स्टेडियम में 65वीं राष्ट्रीय शालेय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। इनमें बालिका वर्ग 8 टीमें तथा बालक वर्ग में 11 टीमें शामिल है। इस प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 27 दिसंबर को आयोजित होगा। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की ओर अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधि, संगीत, चित्रकला, अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलते हैं तो उनकी प्रतिभा और अधिक निखर कर सामने आती है। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। क्रीड़ा प्रतियोगिता थी जिसमें हमने टेनिस बॉल का प्रतियोगिता यहाँ पर रायसेन में पूरे देश के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और 11 स्टेट से बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, टेनिस बॉल प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया है। और इस तरीके की पूरे हमारे प्रदेश में लगभग 14 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होना है, उसमें से 11 सफलतापूर्वक हो गई। कल हमारा ताइक्वांडो प्रतियोगिता विदिशा में कल उसका समापन हुआ है। अभी पिछले महीने ही हमने वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी आपके शमशाबाद में, अभी भोपाल में, अनेक प्रदेश के कोने कोने में हम बच्चों को खेल की जो भावना है, जो उनको अच्छा खेल प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलता है और जिससे कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। आशीष कुमार सिंह है, मैं उड़ीसा से आया हूं और ये जो हमारा टीम है उड़ीसा टीम है जो यहां पे नेशनल गेम जो हो रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम यहां पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को जिताएंगे। हम लोग गुजरात से आए, पूरी टीम है। हम यहाँ आए तो यहाँ का आयोजन देखा और हमें बहुत खुशी हुई कि हम यहाँ आए हैं, बाकी मज़ा आया। आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।